कहानी की शुरुआत में हम केट नाम की एक इंग्लिश टीचर को क्लास में बच्चों को पढ़ाता हुआ देखते हैं। तभी वो देखती है कि एक बच्चा छुपकर एक कॉमिक बुक पढ़ रहा है, जिस पर केट उस बच्चे को वो कॉमिक सबके सामने पढ़ने को कहती है। और जब वो बच्चा कॉमिक पढ़ना शुरू करता है तो केट को भी उस कॉमिक में इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन तभी प्रिंसिपल क्लास में आकर उन सबको देख लेते हैं। वो केट को उनके ऑफिस में आने को कहते हैं। ऑफिस में जाने के बाद प्रिंसिपल इनडायरेक्टली केट को बोलते हैं कि मुझे लगता है अब तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम मैगन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक सेल्स गर्ल थी। वो एक कंपनी में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आई हुई थी, लेकिन उस कंपनी को मैगन के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते, जिससे वो उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को नहीं बेच पाती और गुस्से में वहाँ से बाहर जाने लगती है। जब वो कंपनी से बाहर आती है तो देखती है कि एक पुलिस वाला उसकी कार को पुलिस स्टेशन ले जा रहा है, क्योंकि मैगन ने अपनी कार को नो पार्किंग एरिया में खड़ा किया हुआ था। वहीं स्कूल के बाद केट जब घर वापस आती है तो हमें पता चलता है कि केट और मैगन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो साथ ही में रहती थी। अब मैगन का आज का दिन पूरा वेस्ट चला गया था, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए डांस कर रही थी और केट को भी अपने साथ डांस करने को कहती है। तभी मैगन केट को बताती है कि आज उसका पूरा दिन वेस्ट चला गया, क्योंकि उससे एक सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं बिक पाया और साथ ही उसकी कार को नो पार्किंग एरिया से पुलिस ने उठा लिया। यहाँ पर केट भी उसको बताती है कि प्रिंसिपल ने भी उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। वेल नेक्स्ट डे मैगन केट को सुबह 4 बजे ही जगा देती है और उसको कहती है कि उन्हें कहीं जाना है। लेकिन केट मैगन से कहती है कि इस बारे में हम सुबह बात करेंगे, लेकिन मैगन उससे कहती है कि उनकी फ्लाइट को सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। यहाँ केट मैगन के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैगन ने पहले से ही उसकी टिकट्स बुक करा रखी थी, तो केट को मैगन के साथ मजबूरी में जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद मैगन एयरपोर्ट पर लंबी लाइन देख कर समझ जाती है कि अगर वो इस लाइन में लगे रहे तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तभी मैगन एयरपोर्ट पर काम कर रहे एक लड़के के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिससे वो लड़का उन्हें बिना लाइन में इंतजार करे आगे भेज देता है। इसके बाद केट और मैगन दोनों प्लेन पर चढ़कर अपनी अपनी बुक की हुई सीट पर बैठ जाती हैं। केट को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए वो एंजाइटी पिल्स खा लेती है। थोड़े टाइम बाद रायन नाम का एक लड़का वहां आकर उन दोनों के बीच वाली सीट पर बैठ जाता है। रायन एक फायर फाइटर था, इसलिए उन दोनों को ही रायन बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिससे मैगन और केट दोनों ही रायन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ज्यादा एंजाइटी पिल्स लेने की वजह से केट थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। तभी प्लेन का कैप्टन एक अनाउंसमेंट करता है कि फ्लोरिडा में भारी तूफान आने की वजह से वो प्लेन को सेंट लुई में लैंड करा रहे हैं। अब यहाँ पर अगली फ्लाइट के शेड्यूल होने तक मैगन और केट सेंट लुई के एक शेरेटन नाम के होटल में रुक जाते हैं। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर मैगन को पता चलता है कि उसका बैग एयरपोर्ट पर ही कहीं खो गया है। इस बात से वो अपसेट हो जाती है, फिर भी वो दोनों अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ने लगती हैं कि तभी वहां उन्हें रायन मिलता है। रायन के पूछने पर मैगन उसे बताती है कि हम यहां पर अपनी फ्रेंड की शादी के लिए आई हैं। साथ ही वो रायन से भी पूछती हैं कि तुम यहां पर क्यों आए हो, जिस पर रायन उन्हें बताता है कि वो भी शादी में कुछ दिन बाकी होने की वजह से वहां पर रुका हुआ है। यहां पर रायन उन दोनों से शाम को उसके साथ ड्रिंक पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो दोनों हाँ कर देती हैं। अपने रूम में पहुंचने पर मैगन केट से कहती है कि मेरा बैग एयरपोर्ट पर रह गया है, इसलिए मेरे पास अब शाम को पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम अपनी ड्रेस मुझे दे सकती हो। केट उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही ड्रेस है। शाम को केट मैगन को बिना बताए रायन से मिलने अकेले ही चली जाती है। रायन केट से मैगन के बारे में पूछता है। केट उसे कहती है कि मुझे नहीं पता मैगन क्यों नहीं आई। यहाँ पर वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रायन मैगन को आते हुए देखता है। मैगन एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आ रही थी। रायन मैगन को इंडियन ड्रेस में देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि इंडियन ड्रेस में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि फ्लोरिडा में तूफान और भी ज्यादा भयानक हो गया है, जिससे उनकी फ्लाइट और भी ज्यादा लेट कर दी गई है। इस न्यूज को सुनकर रायन बहुत परेशान हो जाता है। अब रायन को थोड़ा रिलैक्स फील कराने के लिए केट और मैगन उसके सामने डांस करती हैं, लेकिन डांस करते वक्त मैगन बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी, जिससे उसकी ड्रेस नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो तीनों वहां से होटल वापस जाते हैं। अपने रूम में जाते वक्त मैगन केट से लड़ने लग जाती है कि तुम रायन से मिलने अकेले क्यों चली गई थी, क्योंकि वो दोनों ही रायन को पसंद करती थी। अगले दिन मैगन रायन से कहती है कि हम तीनों को हॉट एयर बलून की राइड लेनी चाहिए। अब क्योंकि केट को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देती है। इसी बात का फायदा उठाकर मैगन रायन से कहती है कि फिर हम दोनों को ही हॉट एयर बलून के लिए जाना चाहिए, लेकिन केट मैगन को अकेले रायन के साथ हॉट एयर बलून पर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए ऊंचाई से डर लगने के बावजूद भी वो हॉट एयर बलून पर जाने को तैयार हो जाती है। बलून का कैप्टन थोड़ा ऊंचाई पर पहुंचते ही उनको बताता है कि वो 500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर केट और भी ज्यादा डर जाती है। केट को डरता देखकर रायन उसको शांत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी बीच मैगन शैंपेन की बोतल को खोल देती है, जिससे उस बोतल का ढक्कन सीधा जमीन पर जाकर बलून उड़ा रहे कैप्टन की आंख पर जोर से लगता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्योंकि कैप्टन की एक आंख पहले से ही नहीं थी,
इसलिए वो बिना देखे ही अपना हॉट एयर बलून एक बच्चों की चल रही पार्टी में लैंड कर देता है। इसके बाद वो तीनों दोबारा होटल में चले जाते हैं। होटल में पहुंचकर रायन उनको कहता है कि पूल में स्विमिंग करने जा रहा हूं। अब क्योंकि रायन उन दोनों से बलून राइड खराब करने के लिए नाराज था, इसलिए केट और मैगन पूल में रायन को इंप्रेस करने के लिए बहुत छोटी ड्रेस पहनकर आ जाती हैं। वो दोनों रायन के सामने एक साथ पूल में डाइव लगा देती हैं, लेकिन पूल में कूदने की वजह से मैगन की आंख पर चोट लग गई थी। नेक्स्ट डे वो दोनों उस होटल के कैफे में बैठी हुई थी, जहां पर केट जूस पीते वक्त रायन को एक बैग के साथ कहीं पर जाते हुए देखती है। वो दोनों जल्दी से उसके पास जाकर उससे पूछती हैं कि आखिर तुम कहां जा रहे हो। रायन उनको बताता है कि वो एक वेडिंग में जा रहा है, जिस पर मैगन और केट रायन से कहती है कि क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं। रायन उनको अपने साथ जाने के लिए हाँ कह देता है। अब वेडिंग में जाने के लिए वो एक कार में बैठते हैं, जिसके ड्राइवर का नाम क्रैग था। क्रैग को मैगन बहुत पसंद आती है। रास्ते में मैगन रायन के हाथ पर लोशन लगाने लगती है, क्योंकि उसके हाथ पर मामूली सी चोट लग गई थी। लेकिन ये देखकर केट मैगन से जेलस फील करती है, इसलिए वो क्रैग और रायन को अपने फोन में मैगन की एक बचपन की फोटो दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। कुछ टाइम बाद क्रैग गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक फ्यूल पंप पर कार रोकता है। उस फ्यूल पंप पर केट वॉशरूम के लिए चली जाती है, लेकिन तभी बाहर से मैगन वॉशरूम का डोर बंद कर देती है, क्योंकि वो केट से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। अब केट बाथरूम में फंस गई थी। बाहर मैगन रायन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन किसी तरह केट बाथरूम की विंडो से बाहर निकल आती है, लेकिन उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। केट की ऐसी हालत देखकर रायन केट से पूछता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए, जिस पर केट गुस्से से उनको बताती है कि कोई सिरफिरा बाथरूम को बाहर से लॉक कर गया था। यहाँ पर केट जल्दी से एक वाटर पाइप से खुद को साफ करती है, और इसके बाद वो चारों वेडिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में केट रायन को अपनी तरफ लाने के लिए उसे कहती है कि मेरे कंधे पर चोट लग गई है, जिससे रायन केट के कंधे की मसाज करने लग जाता है। अब यहाँ पर ये देखकर मैगन गुस्से से भर जाती है, इसलिए वो एक वाइन बॉटल में नींद की गोलियां मिलाकर केट को पीने के लिए देती है, लेकिन केट वो वाइन पीने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि ये बस मैगन की एक चाल है। यहाँ पर क्रैग मैगन के हाथों से बॉटल लेकर पूरी पी जाता है। कुछ वक्त बाद मैगन केट और रायन सो जाते हैं, लेकिन इसी बीच नींद की गोलियों की वजह से क्रैग को भी ड्राइव करते समय नींद आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी दूर जाकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उन चारों को रात एक होटल में बितानी पड़ती है। जब केट कार से नीचे उतरने लगती है तो उसे कार में पड़ी उस खाली वाइन बॉटल में नींद की गोलियां दिखाई देती हैं, जिस वजह से केट होटल में मैगन से अलग अपने लिए एक रूम बुक करती है। होटल में देर रात को जब केट एक वेंडिंग मशीन में अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने आई हुई थी, तभी उसे वहाँ रायन मिल जाता है। रायन केट से कहता है कि मैं हर समय मैगन के साथ होने की वजह से तुमसे प्राइवेट में बात नहीं कर पा रहा था। इतना कहते ही रायन केट को किस कर लेता है, और फिर वो दोनों रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैगन लोकल बार में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी क्रैग उसके पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हुए मैगन केट से कहती है कि हमें एक लड़के यानी रायन के लिए अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए। बातों बातों में मैगन केट को ये भी बता देती है कि वो रायन के साथ कल रात होटल रूम में इंटीमेट हो चुकी है। ये सुनकर केट हैरान होकर कहती है, कल रात रायन मेरे साथ भी इंटीमेट हुआ था, जिससे वो दोनों एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करती हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो गई। उनकी बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगती हैं। इसी हाथापाई के बीच उन दोनों के ऊपर एक कबर्ड गिर जाता है। तभी वहां से गुजर रहा क्रैग उनके ऊपर से कबर्ड उठाता है। यहां पर केट और मैगन ने होटल का काफी नुकसान कर दिया था, इसलिए उस होटल का मालिक वहां पर पुलिस बुला लेता है। क्रैग पुलिस को बताता है कि रायन नाम का लड़का एक वेडिंग में टाइम पर पहुंचने के लिए उसकी कार ले गया है। साथ ही में जब क्रैग रायन का गूगल पर प्रोफाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस शादी में वो जा रहे थे वो और किसी की नहीं बल्कि खुद रायन की ही थी। अब ये बात सुनकर केट और मैगन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है कि रायन ने उन दोनों का ही फायदा उठाया है। वो दोनों रायन को सबक सिखाने के लिए उसकी शादी रोकने का प्लान बनाती हैं और पुलिस से उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करती हैं। पुलिस उनको होटल के नुकसान की भरपाई करवाने के बाद वहां से जाने देती है। यहां पर केट और मैगन टैक्सी से जल्दी ही उस होटल में पहुंच जाती हैं जहां पर रायन की मैरिज थी, लेकिन वहां पर उन्हें पता लगता है कि वो थोड़ा आने में लेट हो गई हैं, क्योंकि रायन की शादी तो पहले ही हो चुकी थी। तभी अचानक उन दोनों को वहां पर रायन दिख जाता है। उनको देखकर रायन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों रायन को पकड़ लेती हैं। वो रायन से कहती हैं कि उसने उन दोनों का गलत फायदा क्यों उठाया, जिस पर रायन उन्हें कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो दोनों उसके साथ शुरू से ही फ्लर्टिंग कर रही थी। रायन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी मैरिड लाइफ को खराब मत करो। तभी वहां पर रायन की वाइफ आ जाती है। केट और मैगन देखती है कि रायन की वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रायन उसके सामने भीगी बिल्ली की तरह रहता है। अब रायन की ऐसी हालत देखकर मैगन और केट दोनों बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उसके लिए इससे अच्छी पनिशमेंट और कोई हो ही नहीं सकती थी। इसके बाद मैगन और केट एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें पता चलता है कि
उनकी फ्लाइट 4 घंटे लेट है, जिससे मैगन क्रेग से मिलने उसकी शॉप पर चली जाती है, जहां पर वो क्रेग से थोड़ी बातें करती है और वहां से जाने से पहले मैगन क्रेग को किस करती है। इसके बाद वो एयरपोर्ट जाकर केट से कहती है कि शायद अब हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। केट भी उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। अब वापस आने के बाद केट दोबारा स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को कहती है कि अब वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर प्रिंसिपल उसे खुशी से कहता है कि मुझे लगता है तुम स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कोच बहुत अच्छी बन सकती हो, जिसके लिए केट भी हाँ कर देती है। वहीं मैगन क्रेग के साथ शादी करके रिलेशनशिप में आ गई थी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।